बस कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह इसी रास्ते से गुजरेंगे। पटना के तमाम उन इलाकों के जो तस्वीरें हैं, हमने सुबह से ही, कल से ही लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अमित शाह के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारी की गई है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के पुनाई चक के पास है, जहां पर देख सकते हैं कि किसान मोर्चा के तमाम भाजपा के जो प्रकोष्ठ के लोग हैं वो मौजूद हैं और होली गीत भी हो रही है। यहाँ पर कई ट्रैक्टर लगाए गए हैं उनके स्वागत के लिए, और किस तरीके से स्वागत होगा अमित शाह का यहाँ पर, वो तैयारी मंच जो है पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। और जो होली होली का माहौल है, कह सकते हैं होली का त्यौहार आने वाला है, और ऐसे में होली को लेकर गीत की गुनगुनाहट भी आपको यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। तमाम जो संगीत की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और देखिए किसानों के लिए वो समागम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती है और किसानों को संबोधित करेंगे, मजदूरों को संबोधित करेंगे, उसको लेकर यहाँ पर कई ट्रैक्टर लगाए गए हैं। साफ तौर से देख सकते हैं इस तरीके से ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और इसको लेकर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और आपको बता दें कि किसान मोर्चा की तरफ से ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, मंच बनाया गया है, तमाम तैयारी की गई है, बैलगाड़ी है और जो बैलगाड़ी भी रखा गया है किसानों को देखते हुए, खास तौर पर तमाम लोग यहाँ पर किसान मोर्चा के लोग हैं, यहाँ पर बैलगाड़ी भी लगाया गया है और महिला लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, भाजपा नेत्री सब हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं किस तरीके से स्वागत करेंगे अमित शाह का, गृह मंत्री जी का कैसे स्वागत करेंगे। हम मनीषा कुमारी, जिला प्रवक्ता किसान मोर्चा के, अमित शाह को हम बहुत भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। पूरी महिला मंडल यहाँ पे उपस्थित है, अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग उनका स्वागत करेंगे, उनका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए किस तरीके से स्वागत करेंगे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और होली की गीत भी गुनगुनाहट सुनाई दे रही है आपकी कानों तक। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए, कैसे तैयारी है सर, कैसे स्वागत करेंगे। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि लोगों में उत्साह है, हम रंग गुलाल अबीर से उनका स्वागत करेंगे। बिहार की धरती, पटना की धरती, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत के लिए उत्सुक है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के, देख रहे हैं महिला किसान भी पुरुष भी एकदम उनके स्वागत के लिए भरी दुपहरिया में खड़ी है। देखिए किसान मोर्चा के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए बैनर पोस्टर तमाम चीजें यहाँ पर रखी गई है और लोग यहाँ पर गीत संगीत का भी आयोजन किया गया है और उनके स्वागत के लिए लोग खड़े हैं, तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। और अब बस कुछ ही क्षण में यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह जब गुजरेंगे तो उनको फूलों की वर्षा दी जाएगी और इसको लेकर किसान मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आगे की जो अपडेट आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें देश न्यूज के साथ और देखते रहें। हाईटेक की दुनिया में झारखंड में पहली बार आपके शहर रांची में मॉड्यूलर फर्नीचर की डिमांड बढ़ी है, जिसे देखते हुए घर के इंटीरियर से लेकर आउटडोर बरामदे, मॉड्यूलर किचन की बेहतरीन खूबसूरती के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉड्यूलर फर्नीचर। जी हाँ, झारखंड के कटरू ब्रिज के समीप फ्रेंच मॉड्यूलर फर्नीचर। फ्रेंच मॉड्यूलर फर्नीचर झारखंड प्रदेश का पहला लेटेस्ट मॉडल का प्रतिष्ठान है। इस प्रतिष्ठान में अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सोफा, डाइनिंग टेबल, मॉड्यूलर किचन के साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट को कम समय में ही अच्छी फिनिशिंग और कम बजट में तैयार किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, चले आइए झारखंड के कटरू ब्रिज के समीप मॉड्यूलर फर्नीचर में, जहां आपके घर का हर सपना होगा साकार। फोन करें 7992343403।